सत श्री अकाल जी, स्वागत सारे का देश प्रदेश लाइव प्रोग्राम दे विच। आज दे इस प्रोग्राम विच फिर थोड़े अगे हाजिर हैं जी एक एक्सपर्ट दे नाल, जिहड़े कि स्टूडेंट वीज़ा लई जरूरी चीज़ा जिहड़ियां मिले असी डिस्कस करते हैं, अज भी करांगे। वो साडे लई अज खास अपने एक्सपीरियंस सदके थोड़े लई ज्ञान लैके हाजिर ने। उम्मीद करते हैं जिन्ने भी थोड़े साडे तक सवाल पहुँचे ने उन्हां तक शेयर करके उन्हां दे एक्सपीरियंस सदके थोनों सवाल दे जवाब पहुँचा पाईए। बट फिर भी मन दे विच कोई डाउट कन्फ्यूजन है तो सीधा भी राबता फोन कॉल जरिए किया जा सकता है। अज जिहड़े साडे नाल एक्सपर्ट मौजूद ने उन्हें दी सिंपी नंदा जी, अकैडमिक डायरैक्टर वैसटर्न ओवरसीज़ तो पहले स्वागत कर दिए उन्हों का। सिंपी जी बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। सो सिंपी जी, लास्ट भी अपने शोज डिस्कशन चल रही सी आयल्स बारे, जो कि तुसी काफ़ी तरह वधिया समझाया भी है। आयल्स एक बहुत ही मैं कहूँगा जरूरी अंग है, एक कम्युनिकेशन लिए भी कह सकते हैं, बच्चे की स्टडी लिए भी। एक डर जिहड़ा मेन दे विच जो बेसिक्स आपां अज गल करिए आयल्स, बच्चा डरदा क्यों आयल्स करन तो, जबकि एक जरूरी है। जे तक इंग्लिश नहीं आती बच्चा पढ़ नहीं सकता, लैक्स ऑफ रुपीज एक्सपेंड करन नूं आपां तैयार हाँ, बट एक उहदा बेस मजबूत नहीं करना उत्ते आपां कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। क्यों, डर दा कारण की है? मैं कह सकती हूँ कि इसमें स्टूडेंट्स को जो बेसिक डर लगता है वो सिर्फ एक चीज को लेकर लगता है, बिकॉज उनको एक अच्छी गाइडेंस देने वाला नहीं लगता। वो कई इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं, उनको लगता है कि हमें अच्छी गाइडेंस नहीं मिली, उनके स्ट्रेटजीज नहीं मालूम है, और उनको लगता है कि पूरे पूरे पैसेजेस को पढ़ना पड़ेगा, इतने बड़े बड़े एसेज लिखने हैं, 250 वर्ड्स आपको एसे में लिखने हैं राइटिंग में। तो कैंडिडेट को लगता है कि हमें इंग्लिश नहीं आती, हम कितना डेवलप कर लें, हम कैसे लिख दें एसेज। तो यही स्टूडेंट को हर्डल लगती है, यही स्टूडेंट के लिए एक बैरियर है। बट अगर स्टूडेंट को एक अच्छा गाइड मिल जाए कि उसको बताने के लिए कि उसको कैसे चलना है, कौन सी डायरेक्शन में चलना है, कौन सी स्ट्रेटजीज को ऑप्ट करना है, और किस तरह के वर्ड्स को यूज करके वो एक अच्छे सेंटेंस डेवलप कर सकता है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी कैंडिडेट को प्रॉब्लम आती है आईएलटीएस को क्रैक करने में। आईएलटीएस से जो गल होती है, एक थोड़ा एक्सपीरियंस लास्ट 10 साल तो तुसी इसी लाइन दे टीचिंग लाइन दे विच हो, एक एज एक्सपर्ट बच्चे नु गाइड करदे आ रहे हो, थोड़े नीचे टीचर्स भी ने जिहड़े फैकल्टी वाइज बच्चे नु गाइड करदे ने, की जरूरी चीजा ने? 2 घंटे की क्लास, 4 घंटे की, कि सवेर तो शाम तक पढ़ना, की चीजा जरूरी ने बच्चे लई? सर देखो, यहाँ पर मॉड्यूल्स की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंग्लिश आना इट्स अ डिफरेंट थिंग, बट आयल्स को क्रैक करना कुछ अलग बात है। अब जैसे मैं रीडिंग की बात करूं तो रीडिंग में अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आते हैं, कैंडिडेट को मालूम होना चाहिए कि उसको कौन से क्वेश्चन टाइप को पहले ऑप्ट करना है। जैसे रीडिंग में 3 पैसेजेस होते हैं, तो आई नेवर सजेस्ट कि आप पहले क्वेश्चन को ही फर्स्ट अटेम्प्ट में करो। वट एवर द पैसेज यू फील यूर सेल्फ टू बी कम्फर्टेबल कि वो पैसेज ज्यादा आसान लग रहा है, आपको पहले वो पैसेज ऑप्ट करना चाहिए। उस पैसेज में भी देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इन रीडिंग, तो आपको रीडिंग में देखना चाहिए कि इफ यू आर कंफर्टेबल विद एमसीक्यूज और ट्रू फॉल्स। जैसे हम लोग सजेस्ट करते हैं कि टू बी एट द लास्ट, क्योंकि हम उसमें लॉजिकल गेसिंग भी कर सकते हैं। तो आपको क्वेश्चन टाइप भी चूज करना आना चाहिए, आपको पैसेज भी फाइंड आउट करना आना चाहिए, आपको कौन सा पहले करना है। ये भी स्ट्रेटजी टेक्निकलिटीज ने जड़ी है, बिल्कुल ये सबसे मेन है। अगर आप इनके ऊपर वर्क करते हो तभी आप अपने आप को इंप्रूव कर सकते हो। काफी सिंपल जी, ऐसे बच्चे भी होंगे, एक इंस्टीट्यूट तो एक बार आयल्स कर लिया, 2 बारी कर लिया, स्कोर नहीं आए, बट जो तो सेकंड इंस्टीट्यूट दे विच गए उच्चे स्कोर कर लिया, तुहाडे कोल भी बहुत आए होने, की कमी की रह जाती है जिथे बच्चा एक इंस्टीट्यूट नूं प्रॉपरली नहीं समझ पाउंदा या स्ट्रेटजी जिहड़ी है चेंज हो जाती है? हाँ सर, पता है क्या होता है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट में क्या होता है, जैसे मैंने बताया स्टूडेंट को बेसिकली प्रॉब्लम आता है रीडिंग और राइटिंग में। अब राइटिंग में कोई कैंडिडेट गया, उसको कहा जाता है कि आप ये आंसर स्क्रैम कर लो, दीज आर सम ऑफ द लाइंस, और ये क्वेश्चन में लिखनी है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट से अपने अपने एक परफेक्ट आंसर्स बना रखे और वो सजेस्ट करते हैं कि आप इन्हीं आंसर्स को क्रैम करो और पेपर में लिख के आओ। तो अगर आप उन्हीं लैंग्वेज को बार बार लिखते हो तो एग्जामिनर कैन इजिली फाइंड आउट कि ये क्या रीजन है और कैंडिडेट कहाँ से आया है। और हम यही सजेस्ट करते हैं कैंडिडेट को कि आपको अपने आंसर्स खुद डेवलप करने चाहिए, डोंट रीफ्रेन द मींस क्रैम्ड आंसर्स। तो जब कैंडिडेट अपने आंसर्स खुद लिखता है, अपने आप को डेवलप करता है, तो वो अपने आप को फाइंड करता है कि मैं दूसरे इंस्टीट्यूट से थोड़ा ज्यादा बेटर हूँ। बेसिक प्रॉब्लम की आंदे हो, तुसी क्लासेस भी अटेंड करदे हो, एज अ बच्चे नु मिलदे भी हो, बाद दे विच की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, की क्वेरीज रहंदियां बच्चे दे, कित्थे प्रॉब्लम फेस करदा बच्चा आइल्स करदे हुए? आइल्स करते हुए जो कैंडिडेट को प्रॉब्लम आती है, अगर हम स्पीकिंग की बात करें तो कैंडिडेट को प्रॉब्लम आती है कॉन्फिडेंस की, उसको हेजिटेशन बहुत ज्यादा है। वो कहता है कि मैं बोल लूंगा बट मैं किसी के सामने नहीं बोलता। हाँ, क्योंकि मैं तो गलत ना बोला जाए, गलत ना सेंटेंस बोलता जी, कि मतलब फिर मेरा लोग मजाक बनाएंगे, है ना। तो इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम स्टूडेंट को फेस करनी होती है वहां पर, जब स्टूडेंट एक इंस्टीट्यूट में आता है। तो अगर मैं अपने इंस्टीट्यूट की बात करूं तो इसको रिमूव करने के लिए हम लोगों ने क्या कर रखा है, वी हैव अ डिफरेंट कैबिन्स, हमने कैबिन्स बना रखे हैं, जैसे पेपर में भी होता है, रियल एनवायरमेंट देते हैं हम कैंडिडेट को। और यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे फैकल्टीज हैं, सभी फैकल्टीज आईटीपी और ब्रिटिश से ट्रेंड है। तो वो फैकल्टीज क्या करते हैं, दिन में 3-4 बार एक कैंडिडेट की स्पीकिंग लेते हैं,
तो कैंडिडेट का कॉन्फिडेंस रेज अप होता है, क्योंकि उसको मालूम पड़ता है कि आज मैंने एक फैकल्टी को स्पीकिंग दिया, कल किसी और को दे रहा है, तो उसका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है और वो फिर स्टाफ में सबके साथ, स्टूडेंट्स के साथ, अपने घर में जाकर कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोल पाता है। तो इससे उसका कॉन्फिडेंस करना वो जरूरी हो जाता है, बहुत जरूरी है। एक चीज होर, स्टूडेंट जेड़ा कई बार क्वेरी करता है कि असि जो मॉक टेस्ट देने हैं उहदे विच साडे स्कोर मॉड्यूल वाइज बहुत वधिया आंदे आ, पर जो पेपर देन जाने हैं उधर विच कट जाते हैं, क्या कारण है उसका? होता है सर ऐसा, लेकिन एक प्रेशर तो रहता ही है कि आप फाइनल एग्जाम में बैठे हो और आप इंस्टीट्यूट में बैठे हो जहाँ पर आप डेली रूटीन में पढ़ते हो और एकदम वहां पे जाके फेस करना, तो थोड़ा सा हैसल तो रहता ही है इस चीज में। बट इसके लिए कैंडिडेट को हम यही सजेस्ट करते हैं कि जब भी हम मॉक टेस्ट लेते हैं, हम स्पेशली इस चीज पे काम करते हैं, हम जब भी मॉक टेस्ट लेते हैं हम उस समय पे इन्विजिलेटर्स जो है वो टीचर्स ना रखकर हम स्पेशल कुछ और कैंडिडेट्स को भेजते हैं। फॉर एग्जांपल जो हमारे स्पोकन ट्रेनर्स हैं उस समय पे वो लोग इन्विजिलेट करती हैं, ताकि कैंडिडेट के अंदर एक वो प्रेशर आए कि हाँ आज मेरी यूज टू वाली टीचर नहीं है, यहाँ पर कोई और है। ये चीजें बहुत जरूरी ने जी डिस्कस हो रही है ना, क्योंकि देखो एक बिल्डिंग खड़ी करनी है, एक अपना घर खड़ा करना, जो फाउंडेशन मजबूत नहीं है तो बिल्डिंग वधिया तरह ज्यादा देर तक खड़ी नहीं रह सकती। सो फाउंडेशन, एक आयल्स, एक बेसिक जी जरूरत, पहली नीड है, पेस है साडे स्टूडेंट का जिन्हें परदेश जाना है, वो उहदे बारे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। पेरेंट्स लिए भी उन्ना ही जरूरी है, चंगे इंस्टीट्यूट बारे जानकारी बच्चे को दवाना, उन्हें सिलेक्शन दे विच मदद करना, जिन्ना कि एक वीजा एक्सपर्ट कंसल्टेंट कोल आपां चोण करना जानते हैं या जाना चाहिए। वैसटर्न ओवरसीज वालों दोनों जिहड़ियां सर्विसिज दित्तियां जांदियां ने, बट अज खास अकैडमिक डायरेक्टर नूं इस लई असीं पहले पार्ट दे विच सद्दा दित्ता तां कि जिहड़े बच्चियां दे क्वेरीज ने आइल्स बारे उह सांझियां कर सकीए, उहनां नूं हल कर सकीए। तुसीं वी आइल्स बारे कोई जानकारी लैणी है, कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, किसी चीज़ का डर है मन दे विच, तां सिंपी जी नाल उहनां दे टीम दे नंबरां ते कॉल करके अपॉइंटमेंट नाल मिलिया जा सकदा ते अपनी क्वेरीज जिहड़ियां ने सांझियां कीतियां जा सकदियां ने। कई वारी इह वी देखिया गया मॉक टेस्ट जदों बच्चा दिंदा एक, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लगता, बच्चे काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज करते हैं भी मॉक टेस्ट के बिच बड़े अच्छे नंबर आते हैं पर वीक जो सैटरडे संडे फ्राइडे जो भी होंगे, पर जो असं कहें भी ठीक है जी साढ़े मॉक टेस्ट बड़े अच्छे स्कोर आ रहे हैं, असं हूँ पेपर देना तो मॉक टेस्ट के नंबर घटा दिए जाते, नहीं तेन हले एक महीना होर लगेगा। होता है सर, बहुत इंस्टीट्यूट्स करते होंगे ऐसा, बट हमने पहले बताया कि हमारा मेन जो हम पढ़ा रहे हैं वो एक प्रोफेशनलिज्म के साथ दे रहे हैं, जो भी हम चीज कैंडिडेट को तक देते हैं। एक पॉलिसी डील करिए अपन, प्रदीप जी काफी बारी साडे नाल इस शो दे विच जुड़े हैं, उन्होंने अपनी एक्सपीरियंस बारे साझा किया वेस्टर्न ओवरसीज ने। एक जो आयल स्टार्ट किया गया एज अ मैं कहूँगा सिर्फ वीजा एक्सपर्ट, उन्होंने आयल्स नू एक नाल जरूरत है तां किया गया, ये कुछ सोच सी पिछे इहदे कुछ अलग करन दी? नहीं सर बिल्कुल, देखो एक कैंडिडेट को वीजा जब लेना है तो उससे पहले उसको ये वाला कंडीशन भी क्लियर करना है, तो हम चाहते हैं कि उसका फाउंडेशन जो आप बार बार बोल रहे हैं कि फाउंडेशन उसका स्ट्रांग होना ही चाहिए। तो हम ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि कैंडिडेट को वीजा लगवाना है, बट प्रोफेशनली उसको कुछ आना भी चाहिए टेक्निकली, तो इसलिए भी हम उसको आइल्स कराते हैं। जो आपने मॉक टेस्ट वाली बात करी, बहुत सारे इंस्टीट्यूट में ऐसा ही होता है कि दे रिलाई ओनली ऑन द सैटरडेज मॉक टेस्ट, की जो एक मॉक टेस्ट होता है उस पर रिलाई करते हैं। अगर आप हमारे इंस्टीट्यूट में देखो तो वी हैव अ रिपोर्ट कार्ड, हमें एक कैंडिडेट का एक रिपोर्ट कार्ड इशू करते हैं एट द टाइम ऑफ एडमिशन, तो डेली हम वो रिपोर्ट कार्ड मेंटेन करते हैं। तो हम किसी एक डे के रिस्पांस पे, मतलब कैंडिडेट को नहीं सजेस्ट करते हैं कि आपको टेस्ट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, डेली बेसिस पे उसका असेसमेंट होता है, डेली उसके स्कोर्स लगाए जाते हैं रीडिंग में, राइटिंग में, लिसनिंग में, स्पीकिंग में, जो चेक होता है उसके ट्रेनर के साथ और उसके पेरेंट्स भी उसको रिमार्क्स देते हैं उसके ऊपर। तो एट द एंड ऑफ द वीक कैंडिडेट सिर्फ एक सैटरडे को रिस्पांस नहीं देखता, बिकॉज हो सकता है सैटरडे को ही वाज नॉट फीलिंग वेल, कुछ प्रॉब्लम और भी हो सकती है, तो हम पूरा मंथली उसका रिपोर्ट कार्ड असेस करते हैं, उसके बाद ही उसको सजेस्ट करते हैं कि आपको कब डेट लेना चाहिए। सिंपल जी एक होर चीज, जो आप रीडिंग की गल करते हैं या आप लिसनिंग की गल करते हैं, उसके विच काफी ऐसे वर्ड्स ने जो बच्चा पहली बार सुनता है, काफी वोकैबुलरी दे विच फर्क आ जाता है, वो प्रॉब्लम्स किवें फेस करता है बच्चा, किस तरह उन्हें सजेस्ट किया जाए भी ये वोकैबुलरी जी अपनी किवें इंप्रूव की जा सकती है? कुछ वोकैबुलरी सर जैसे रीडिंग मॉड्यूल की है, वो एक लिस्ट आता है AWL एकेडमिक वर्ड लिस्ट, दैट इज इशूड बाय यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। तो हम कैंडिडेट्स को सजेस्ट करते हैं कि आपको रीडिंग करने में अच्छा स्कोर लेने के लिए तो वो जरूर आनी चाहिए AWL। और अगर हम राइटिंग की बात करें तो हम राइटिंग में कई बार कैंडिडेट को सजेस्ट करते हैं कि अगर इफ यू आर अनएबल टू बी अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर वर्ड, तो आप सेंटेंस पढ़ के उस कंटेक्स्ट से
उसका मीनिंग निकालने की कोशिश करिए. तो हम दोनों स्ट्रैटेजीज को पैरेलली लेके चलते हैं कि आप AWL के थ्रू भी कैसे वोकैबुलरी याद करेंगे और एक थीम कंटेंट जो मैंने आपको बताया कि देयर इज नो नीड टू बी रीड आउट द होल डिक्शनरी. अगर आपको क्राइम रिलेटेड टॉपिक्स आया पेपर में तो हमारे पास क्राइम रिलेटेड अलग से हम एक वोकैबुलरी देते हैं, उसके idioms, उसके प्रोवर्ब्स बताते हैं. तो आपको पूरा डिक्शनरी खोल के पढ़ने की जरूरत नहीं है. वो रीफ्रेनिंग हम लोगों ने अपनी तरफ से कर रखी है जिससे हम स्टूडेंट का काम थोड़ा आसान कर देते हैं. तो उसका सिर्फ ध्यान कहाँ पर है, टू बी कॉन्सेंट्रेटेड ऑन दैट पर्टिकुलर वर्ड्स इंस्टेड ऑफ सर्चिंग फॉर थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स. तो थोड़ा इजी हो जाता है जी. बिल्कुल, वोकैबुलरी बहुत ज्यादा जरूरी है. ये जरूरी नहीं है भी आप IELTS में बहुत इजीली ले लीजिए सिर्फ इस वजह नाल भी IELTS ठीक है जी 5.5 बैंड ही लेने हो चले जाएंगे. बट ये जरूरी तो है, एम आप वध लेके चलांगे तो अपने जो प्रॉपरली सैटिस्फैक्टरी आते भी नहीं, फिर भी मेहनत की लड़ रही है. इंग्लिश कंट्री के पढ़न जाना है, उस इंग्लिश के पढ़ाया जाना है. जब तक उस लैंग्वेज से कमांड नहीं है तां तक जो फ्यूचर जो ब्राइट होंगे नज़र नहीं आता, या वो काफ़ी प्रॉब्लम्स आ सकती ने कम्यूनीकेशन के, चाहे बच्चे ने जॉब करनी है, चाहे बच्चे ने अगे PR लेनी है. इंग्लिश कम्यूनीकेशन जोड़ा है बहुत वधिया चाहिए. सिर्फ वीज़ा एक्सपर्ट्स वजो तुम वैसटर्न ओवरसीज नाल जे रबता कायम करना चाहते हो तो भी कर सकते हो. अदरवाइज IELTS लिए भी कोई जानकारी चाहिए है, क्लासिस संबंधी इन्हों जी सर्विस संबंधी तो भी सिंपी जी के नंबर के जेडे टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे कॉल की जा सकती है. मैम तकरीबन 1.5 मिनट का समा बचा, कोई खास मैसेज, कोई खास ऐसी चीज़ जी बच्चों बहुत जरूरी है जे IELTS करना चाहते हैं की कहना है? मैं कैंडिडेट्स को ये सजेस्ट करना चाहूंगी और एक इनवाइट भी करना चाहूंगी कि वी आर कंडक्टिंग ऑन रेगुलर बेसिस फ्री डेमो क्लासेस. तो आप डेमो क्लासेस हमारी अटेंड करिए, उसके अंदर डिफरेंस देखिए कि हमारे में और इंस्टीट्यूट्स में क्या डिफरेंस है, क्या टेक्निकल थिंग्स हैं जो हम लोग कैंडिडेट को अच्छी तरह से समझा पाते हैं. स्कैनिंग, स्किमिंग है या राइटिंग की थीम बेस्ड वोकैबुलरी है, ये सब चीज़ें हैं जो हमारे को और इंस्टीट्यूट से अलग बनाती हैं. बट सिर्फ सुनिए मत, बेटर इज टू बी ज्वाइन, अटेंड द डेमो क्लास एंड देन फील द डिफरेंस कि व्हाट वी आर डूइंग द डिफरेंट. सो सिंपी जी आज शो दे विच ओनली बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू. सो अज जिहड़ा कोशिश की गई है पहले जिहड़ा सैगमेंट दे विच असी IELTS संबंधी गलबात कर सकी, जिहड़े वैस्टर्न ओवरसीज तो आए एक्सपर्ट साडे नाल सिंपी नंदा जी मौजूद सी. ब्रेक का समा हो चलिया, ब्रेक तो बाद वीज़ा क्वेरीज जिहड़ियां तुहाडियां ने जिहड़ियां स्टूडेंट वीज़ा संबंधी तुसीं रिक्वायरमेंट बारे कंट्रीज बारे जानकारी चाहुंदे हो उहनां नूं सांझा करांगे, क्योंकि ब्रेक तो बाद साडे नाल वीज़ा एक्सपर्ट वैस्टर्न ओवरसीज तो ही प्रदीप जी जुड़नगे. सो अज जिहड़े प्रदीप जी नाल भी गलबात वीज़ा तो बाद करांगे, सॉरी वीज़ा संबंधी जिहड़ी गलबात है वह ब्रेक तो बाद रहेगी. जुड़े रहना शो दे नाल, मिलते हैं प्रदीप जी नाल फिर थोड़े हाजिर होकर एक छोटे जे ब्रेक तो बाद.